करके आए तो चौरासी की आखिरी रोटी, आखिरी रोटी तुमको बता दें आज इस चौरासी की चारों खानों की अंडे पंडे जो खमज अस्तावर इसकी अंतिम यानी मतलब ये जो उसको योनि और उसके बाद में मनुष्य मिलता तो गहू की योनि और बैल अंतिम ये चौरासी के बाद यह है। इसके बाद उसको गहुओं को तो स्त्री तन और बैलों को पुरुष तन मिल जाएगा। बगैर इसमें आए हुए ये नहीं आपको मिल सकता। उस चौरासी के सब ये योनि इसमें आपको आना है और इसके बाद फिर मनुष्य इससे शरीर आपको मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, गाय को काट दिया, बैल को काट डाला, बछड़ों को काट डाला आपने, आपको तो विज्ञान मालूम नहीं। जब आपने काट दिया तो वो जीवात्माएं प्रेत हो जाती, सब प्रेत हो जाएंगी। तो जैसे उनकी उम्र 10 साल की और है तो अब प्रेत उन्हें 10 साल रहेंगे, 10 साल के बाद में जब पूरा हो जाएगा तो उनको मनुष्य मिलेगा। तो आपके यहाँ बच्चे होंगे, आपके यहाँ बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, आपका एक कहना नहीं मानी क्योंकि चिचड़े हो गए, वो हमेशा रोते रहेंगे। प्रेत तो रोता रहता है भूख के मारे, उसका मुंह तो इतना छोटा होता कुछ जाता नहीं, इसलिए भूख की वजह से रोता चिल्लाता, इसको लगता उसको लगता उसको लगता। तो चिचड़े हो गए तो न लड़का कहना मानेगा न लड़की, लड़की कहना मानेगी और तुम उनसे परेशान हमारे पास ले आते हैं, कहते ये नहीं मानता कहना। तो लड़का कहता ये मेरा बाप ही नहीं, ये मेरा मुझसे दाम नहीं कहता, उसके दाम में ये मेरा बाप नहीं ना ये मेरी माँ, साफ कहता है। तो आप लोग ये बात नहीं समझते, वो ठीक कहता है। इससे पूछो कि तुमने लड़के की मुझे इससे पैदा किया, वो इतनी खराब बात करता है लेकिन कुछ नहीं आप समझते हैं। मेरा ये बच्चा मेरा और ये मेरी स्त्री और मेरा ये पति और मेरा बाप और ये मेरे भाई, अरे कोई किसी का नहीं भाई, ये जो मिले हैं ये एक दूसरे का खर्चा है, तो धीरे से आराम से दे ले लो, अदा कर लो और उसके बाद तुम आए हो यानी पहले और बाद में ये और ये पहले।